नमस्ते दोस्तों, मैं चुमा घोष, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर रोल, जो बहुत ही इजी रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद है, आप टिफिन में दे सकते हैं बनाकर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप जरूर मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। ये हम पनीर लिए हैं, करीब 200 ग्राम है, एक बड़ा कैप्सिकम इस तरह से टुकड़ा करके हम रखे हैं, टमाटर लिए हैं एक मीडियम साइज का, ये भी छोटा टुकड़ा करके रखे हैं, हरी मिर्च लिए हैं, तीन लिए हैं, ये छोटा टुकड़ा करके रखे हैं, आप अगर ज्यादा तीखा खाएंगे तो और ज्यादा लेंगे। ये अदरक लिए हैं 1 इंच, जो हम कद्दूकस करके रखे हैं, नमक है और थोड़ा सा हम किशमिश लिए हैं, क्योंकि हम ये पूरा भेज बना रहे हैं, इसमें हम गार्लिक और ऑनियन यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें किशमिश देंगे। अगर आप ऑनियन गार्लिक यूज करते हैं तो आप ऑनियन गार्लिक भी इसमें दे सकते हैं। अब मसाला में हम दिए हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर जो होममेड है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर है, थोड़ा सा हम शक्कर लिए, ये आपके टेस्ट के अनुसार दीजिए। मैदा लिए हैं करीब 250 ग्राम, और ये सनफ्लावर ऑयल है, थोड़ा सा गरम पानी है, पहले मैदा को हम गूंद लेंगे अच्छी तरह से, 1/2 टीस्पून नमक देंगे, 3 टीस्पून तेल डालेंगे सनफ्लावर ऑयल, ये आप कम या ज्यादा भी दे सकते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से तेल को पहले मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा गर्म पानी से हम इसका डो बनाएंगे। गर्म पानी देने से ये सॉफ्ट और क्रिस्पी होगा, इसलिए हम गर्म पानी से गूंद रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी देंगे हम, देखिए इस तरह से हम गूंद लेंगे, ये डो मेरा तैयार हो गया। इसको हम 15 से 20 मिनट इसको सेट होने के लिए ढक के रख देंगे। इसमें 1 चम्मच तेल देंगे, इसको थोड़ा सा तेल से इसको गूंद लेंगे, फिर इसको हम ढक के 15 से 20 मिनट रख देंगे। इस बीच हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे, पैन गरम हो चुका है, इसमें हम 4 टीस्पून तेल डालेंगे, हम आप तेल और भी ज़्यादा दे सकते हैं या कम भी दे सकते हैं, हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर रहे हैं, आप दूसरी तेल भी दे सकते हैं। इसमें हम कैप्सिकम दे देंगे, अगर आप प्याज खाते हो तो पहले आप प्याज दीजिए उसके बाद कैप्सिकम दीजिए। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे 1 मिनट तक, फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे। इसमें हम टमाटर दे देंगे, फिर अदरक कद्दूकस किया हुआ जो अदरक था वो भी दे देंगे, हरी मिर्च देंगे, इसे हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे, उसके बाद जो मसाला था वो भी 1-1 करके हम दे देंगे, ये गरम मसाला और शक्कर पाउडर नहीं देंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, आमचूर पाउडर दे देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे करीब 3 से 4 मिनट हम फ्राई करेंगे, ये फ्राई हो चुका है, इसमें अब हम किशमिश डाल देंगे, किशमिश ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, किशमिश देने से थोड़ा टेस्ट अच्छा रहता है इसलिए हम दिए। 1 टीस्पून हम नमक देंगे, ये आपके टेस्ट के अनुसार दीजिए। अब इसमें हम पनीर को दे देंगे, पनीर देने के बाद हम इसको ज़्यादा नहीं चलाएंगे, नहीं तो पनीर टूट जाएगा। फिर शक्कर पाउडर और गरम मसाला पाउडर देंगे, ये होममेड गरम मसाला पाउडर है, आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका मिल जाएगा। इसको हम थोड़ा धीरे से हम चला लेंगे, इसको करीब 2 मिनट हम मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ये तैयार हो गया स्टफिंग, इसको थोड़ा हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम तवा को गरम कर लेंगे, उसके बाद मैदा को थोड़ा और
अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, गूंद लेंगे अच्छी तरह से। अब छोटे छोटे हम इसका लोई बना लेंगे। ये करीब हम जिस माप से लिए हैं इसमें करीब 10 से 12 आपका रोल तैयार होगा, पनीर रोल। इसको हम अच्छी तरह गोल करके चकला में हम तेल लेंगे। तेल आप ज़रूर लीजिए, नहीं तो बेलने में थोड़ा असुविधा होगा और चकला से ये रोटी को आप अच्छी तरह से उठा भी नहीं सकेंगे। ये बहुत पतला करके हम बेलेंगे से रोल बहुत अच्छा से हम कर सकेंगे। ये देखिए बेल लिए हम, थोड़ा पतला बेले हैं, ये तेल से हम बेले हैं इसलिए इसको पतला हम बेल के उसको उठा भी सकते हैं। तवा गरम हो चुका, अब इसमें हम ये रोटी को दे देंगे। अब जिस तरह से रोटी बनाते हैं उसी तरह से बनाइए। हम इसको ड्राई इसको सेक ले रहे हैं, बाद में इसमें तेल देंगे। अगर आप हो सके तो पहले तेल भी तवा में दे के उसके बाद आप इसको रोटी को दे सकते हैं। अब ऊपर से हम तेल दे देंगे, 1 टेबल स्पून तेल डालेंगे दोनों तरफ मिला के। ये बहुत जल्दी ये पक जाएगा, फ्राई हो चुका, हम इसको निकाल लिए। इस तरह से हम 4 तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। अब इसको हम स्टफिंग करेंगे। इसको पहले हम एक ले लिए, बीच में हम इसका जो स्टफिंग है देंगे। ये करीब 1 टेबल स्पून हम दिए, और थोड़ा ज़्यादा भी आप दे सकते हैं। इसको एकदम हम किनारे में देंगे, एक फोल्ड होने के जगह छोड़ के हम देंगे। हम पहले साइड से इसको फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस तरह से, आप वीडियो में देखिए। साइड से हम पहले फोल्ड करेंगे, उसके बाद किनारे से स्टार्ट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसको घुमा घुमा के हम ले लेंगे, ये देखिए तैयार हो गया पनीर रोल।